नमस्कार ओडिशावासी, मु पल्लीश्री सनीरा नेचुरल मेडिसिन चैनल को आपण मन को स्वागत। आज चिकन पॉक्स वा हाड़ाउटी रोग विषय में आपण मन को किछि कहिबी। चिकन पॉक्स कौनसी मारात्मक रोग नहि, यह एक चर्मजनित डिया रोग अटे। आग काल में चिकेन पक्स रोग को हाड़फुटी रोग कहते, से ही समय हाड़फुटी रोग चारिड़े मत व्यापूला। सेतबाद विज्ञान अग्रगति न होते सुधा से मैंने प्राकृतिक प्रतिकार कर सुस्थ हो पारे। यही रोगपाई विचलित न हो यही रोगर लक्षण विषय जानतु। चिकेन पक्स हेले प्रथम आम शरीर में फटका पी देखा जाए। यही रोग जड़े व्यक्ति ठार व्यक्ति को सहजरे आक्रमण करथाए। यही चिकेन पक्स हेले शरीर बहुत बिंधि थाए। चिकेन पक्स रोग हेले केतक खाद्य ठारू दूरेबा से सबू हेला। से ही समय रे आमिष अधिक न खाइबा, तेलयुक्त खाद्य न खाइबा, मसलायुक्त खाद्य न खाई सिझा खाद्य खाइले रोगी पाई बहुत भल। तेणु यही रोग को न डरी केमिति अति सहजरे सुस्थ हेबे चालंतु जानिबा किछि घरोई प्राकृतिक उपचार विषय रे। चिकेन पॉक्स वा हाड़फुटी रोग हेले पांच दिन पर्यंत गाधाबु नाही। पांच दिन परे गाधोबा एक घंटा पूर्वरु निमपत्र बाटी लगाई निम साबुन रे व्यवहार करी गाधांतु। एमती भावरे आउ दुई दिन डालीबा पत्र को बाटी गाधोबा पूर्वरु लगाई गाधांतु। आपण देखिबे एही सब प्रतिकार कला परे हाड़फुटी सब दबी भलो होई जीवो। चिकेन पॉक्स भलो हेला परे जेऊ सब कला दाग देखा जीवो सेथि निमते केश दुदुरा पत्र बा लेंबू पत्र किछि बाटी रस बाहर करी सेथिरे किछि नड़िया तेल को मिश्रण करी कला दाग स्थान रे मालिश कले कला दाग सब दूरे जीवो। सेही भळे एक चमच धनिया पत्र बटा रस रे चुमुटे हलदी गुंड मिसई गाधोबा एक घंटा पूर्वरु हाड़फुटी स्थान रे लेप देले सुखीगला परे उषुम पानी रे धोई गाधोइबे। मध्य चिकेन पक्स खूब शीघ्र भल हो जीवो। बेले बेले हाड़फुटी विसर्पी जाए से निम्ते राति हाड़फुटी स्थान में महु लेप कर सकाळे उषुम पानी रे धोइबे। जदि न धोई सांगे सांगे गाधोइबे ताहले हाड़फुटी निश्चय विसर्पी जीवो। घी कुआरी रस बा आलबेरा रस एक चमच रे हलदी गुंड अल्प मिसई गाधोबा एक घंटा पूर्वरु लगे गाधोइबे। यही प्रतिकार कले मात्र गोटे दिन रे चिकेन पॉक्स रोग हाड़फुटी मलिन पड़िजिवो। खाली पेटरे तटका घी कुआरी रस को पानी रे मिसाई तीन दिन पीले संपूर्ण चिकेन पॉक्स रोग भल हो। घी कुआरी रस होची चिकेन पॉक्स रोग पाई श्रेष्ठ औषध अटे। से हीपरी एक चमच अदा रस रे एक चमच तुलसी पत्र रस मिसाई दिन को दुई थर सकाळे संध्यारे सेवन कले चिकेन पॉक्स रोग शीघ्र उपशम मिलता है। एक चमच हलदी गुंड रे अर्ध चमच महु चारिरु पांच टोपा कलरा पत्र रस को मिसई सकाळे खाली पेटरे सेवन कले हाड़फुटी रोग संपूर्ण दूरे जीवे। चिकेन पॉक्स रोग डिया रोग होइथिबारु जेऊ व्यक्ति को प्रथमे एही रोग हबार लक्षण देखा जाए संगे संगे प्राकृतिक प्रतिकार कले अन्य व्यक्ति को आक्रमण करिपारिबो नाही। चर्म रोग पाई प्राकृतिक प्रतिकार हेउछि श्रेष्ठ प्रतिकार। दिन कु दिन बहुत अजणा रोग सृष्टि हेउछि। तेणु मु वीडियो माध्यम रे आपण मानंकु जणाउछि जे आपण जदि समय पाहुचंती किछि किछि छोट बड़ गच्छ लगांतु। पृथ्वी को सबुजिमारे भरी दियंतु, गच्छ को काटंतु नाही। वृक्ष हेउछि सारा विश्वर फुसफुस अटे। जेते वृक्ष लगाइबे आपणक शरीर बहुत सुस्थ रहइबो। आपण वृक्ष को आपणै सर्वदा शरीर को आरोग्य रखंतु। आपण निजर निश्वास को जेतिकि भल पाउछंती वृक्ष को सेतिकि भल पांतु। समस्त रोगरु मुक्त होंतु। प्रकृति उपरे विश्वास करंतु। चिकेन पॉक्स भळि डिया रोग ठारु दूरेई सर्वदा सुस्थ रुहंतु। वृक्ष द्वारा आमर समस्त रोगर निराकरण अति सहजरे होई पारिबो। तेणु शरीर सुस्थ निमन्ते केवल गोटाई उपाय हला वृक्ष लगाइबा। सुखी जीवन जापन करिबा, खुशी रे रहिबा। गोटिए बड़ गच्छ काटिले पांचटी बड़ गच्छ लगाइबा उचित।